अगर आपके ब्लॉगर ब्लॉग में टेम्पलेट्स अपलोड करते समय बार बार एरर आ रहा है, जो कि आपको रेड लाइन में लिखा हुआ दिख रहा है, और आप इस प्रॉब्लम को बार बार फेस कर रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करें, और आपको जो टेम्पलेट अपलोड करनी है तो वो अपलोड हो ही नहीं रही है, आप बार बार ट्राई कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, मगर एरर ही दिखा रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज की इस वीडियो में आपको सब डिटेल से बताऊंगा जिसमें आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब मैं आपको आज के वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं सुमेंद्र मौर्य, अगर आप हमारे चैनल में नया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन दिया गया है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मैं इसी तरह के टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो लेकर आता रहता हूं, जो कंप्यूटर, मोबाइल और टेक एंड ट्रिक्स से जुड़ी हुई वीडियोज होती हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम यहां पर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, होता क्या है, जब आप जैसे कि मेरी ये वेबसाइट देख रहे हैं, तो आपकी जैसे ये वेबसाइट है, अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो इसके लिए आप दूसरी कोई टेम्पलेट जो थीम है वो अपलोड करते हैं। तो अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर जो आपका ब्लॉगर का होम पेज है तो आपको यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक थीम का ऑप्शन मिलता है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर थीम का ऑप्शन मिल जाता है तो आपकी जो यहाँ पर थीम है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जो आपकी थीम है तो आपको जैसे कि आपकी पहले की जो थीम है उसको सबसे पहले आपको यहाँ पर बैकअप लेना पड़ेगा। बैकअप क्यों लेना पड़ेगा फ्रेंड, यहाँ पर अगर आप बैकअप नहीं लेंगे तो आपने जो अपनी वेबसाइट पे काम कर रखा है और अभी आपको लग रहा है कि हाँ मैं अभी कस्टम कोई थीम है अपलोड कर लेता हूँ और बाद में कोई बात नहीं रहने देता हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपकी वेबसाइट, जो आपकी जो कस्टम थीम है, जो आप एक बार अपलोड कर लेंगे तो जो आपकी पहले की वेबसाइट है, अगर उसमें जो डाटा है, अगर आपकी जो वेबसाइट अभी आप अपलोड कर रहे हैं और आपको पसंद नहीं आई, तो आपको जो पहले की वेबसाइट है, अगर आपने बैकअप नहीं लिया होगा तो आपको दोबारा से उसे अपलोड करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बैकअप लिया ही नहीं तो आप दोबारा से उसे अपलोड नहीं कर पाएंगे और आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, अगर कोई चीज़ दिक्कत आ गई तो। ठीक है, आपको नई थीम पसंद नहीं आई तो आप क्या करोगे, जब आपके पास बैकअप नहीं होगा तो आप उसे अपलोड नहीं कर पाओगे। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, बैकअप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक डाउनलोड थीम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप अपनी थीम का बैकअप ले सकते हैं, जो आपकी थीम है उसे बैकअप ले लेंगे। बैकअप लेने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ बैकअप आ जाएगा। उसके बाद आपको जो फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है तो वो चूज़ फाइल पर चले जाना है। तो यहाँ पर जो आपका एरर आ रहा है तो देखते हैं हम क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेम्पलेट है, अगर आप जो भी टेम्पलेट यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे, तो जैसे कि जो आपको दिक्कत आ रही है वो दिक्कत मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, आप कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक टेम्पलेट है, मैंने इसको ओपन किया है, ओपन करने के बाद यहाँ पर चूज फाइल आ गया और इसके मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ, और अपलोड पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अभी यहाँ प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस कम्प्लीट होते ही यहाँ पर थीम आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, अगर नहीं होती है तो आपको कैसा एरर आएगा, इस तरह से एरर दिख जाएगा। तो यही एरर आपको बार बार आ रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है XML एरर मैसेज, तो यहाँ पर आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आप उसी थीम को बार बार अपलोड कर रहे हैं, नहीं हो रही है, और आप उसी को अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे आपको ये थीम एरर आ रहा है, इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको कहाँ पर जाना है, आपकी जहाँ पर थीम है, जहाँ पर आपने रख रखी है, जैसे कि आपने यहाँ पर जो टेम्पलेट्स है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपकी टेम्पलेट है इस तरह से दिख जाएगी, और जो टेम्पलेट है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के करने के बाद उसे ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन आप कैसे करेंगे, जैसे कि आपको नोटपैड मिल जाएगा तो आपको नोटपैड प्लस प्लस पे आप ओपन कर लीजिए अपनी टेम्पलेट्स को। जब आप उसे टेम्पलेट्स को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस तरह से कुछ फाइल खुल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल ए करना है, उसके बाद कंट्रोल प्लस सी करना है। ठीक है, तो कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको सीधे अपने उसी जगह पर आ जाना है जहाँ पर एरर आ रहा था अभी। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्या करना है, यहाँ पर कट कर देना है ऊपर की साइड में। जब आप इसे कट करेंगे तो यहाँ पर एक एडिट HTML का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर भी आपको क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद आपको सीधा अपना डिलीट बटन दबा देना है। जब आप डिलीट बटन दबा देंगे, उसके बाद जहाँ पर ये जो डाटा है आपका HTML का, उस सारा यहाँ पर जो कोडिंग है वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद जो आपने कॉपी किया था, आपको यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल प्लस भी आपको दबा देना है।
तो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है भाई डाटा। तो आप जब दबा देंगे उसके बाद आपका जो डाटा कंट्रोल प्लस भी किया आपने, यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड, ऊपर की तरफ आपको एक सेव थीम का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेव होने देना है आपको, जब तक सेव नहीं होगा आपको कुछ नहीं करना है। जब ये सेव थीम लिख के आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर व्यू ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने की मिल जाए, तो जो टेम्पलेट मैंने यहाँ पर अपलोड की है वो आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन ये अभी मैंने अपलोड ही की है क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने कुछ कस्टमाइज नहीं किया है। तो आप अपनी जो भी थीम है इस तरह से यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सक्सेसफुली आपकी जो थीम है वो अपलोड हो चुकी है, जो आपकी पोस्ट वगैरह है कुछ दिखाएगा और बाकी आपको यहाँ पर इस तरह से सेटअप करना पड़ेगा। तो आप इसी तरह से अपनी कोई भी थीम जो टेम्पलेट्स है उसको यहाँ पर इसी तरह से ही आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपको अगर वैसे डायरेक्ट अपलोड नहीं हो रही है तो इस तरह से ही आप कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं, बस सेव थीम जरूर कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको फिर से एक बार थीम पर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ करना है तो जैसे कि आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप एडिट HTML करना जानते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ मोबाइल व्यू और कंप्यूटर व्यू मिल जाता है, तो इनको भी आप अनुसार सेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो कुछ आप इसी तरह से अपनी थीम को यहाँ पर कस्टम अपलोड कर पाएंगे। अगर आपका यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से कोडिंग को कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।